ये इको गार्डन का पार्किंग स्थल है। यहाँ पे ये देखो 69,000 वाली भर्ती को लेकर अभी भी कोई धरना चल रहा है। नारियल के पेड़ लगे हैं। अरे 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 अरे, ये है क्या यार, क्या पता नहीं यार क्या है। इसका बीज होता भी है इसमें लगता है, नारियल लग रहा है हमको छोटे छोटे। है क्या यार, ये है क्या यार, ये छोटा नारियल है क्या, तोड़ के देखते हैं। गिर गया यार, कुछ तो बढ़िया है। लेकिन इसके किनारे से निकलने से ये जो है इसके कांटे यहाँ पे अंदर तक चुभ जाते हैं, इससे बड़ा अजीब सा पेन हो जा रहा है। काफ़ी बढ़िया है, मतलब यहाँ का बहुत ही हरियाली, इसकी देख रेख भी अच्छे से यहाँ पे हो रही है। गलती हो गई, सॉरी। यार धूप निकल आई है यार, अभी तक धूप तो नहीं थी, धूप निकलने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है सफोकेशन थोड़ा सा होने लगा। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे धूप के साथ में थोड़ा हवा भी चलने लगी है, हवा चलने की वजह से मौसम कुछ हद तक तो सही हो गया है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कब बारिश हो रही है, कब धूप निकल रही है, कब गर्मी होने लगती है। फिलहाल काफ़ी अच्छा मौसम है। कौन सा फल? अरे यार ये फल पता नहीं कौन सा है, पेड़ ये सागौन का नहीं है, सागौन का है। नहीं, सागौन नहीं है। लग रहा है सागौन जैसा लेकिन सागौन का पेड़ नहीं है। सागौन की पत्ती अलग होती है, ये सागौन नहीं है। ये फल आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा है, हम लोग को तो पता नहीं चल रहा। ये पेड़ सेम टू सेम सागौन जैसा है लेकिन है नहीं, एग्जैक्टली तो सागौन का है नहीं। अब आप लोग जिन लोगों को ये पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये किस चीज़ का फल है। एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है कि जो बीच का जो गोल राउंड है तो उससे चारों तरफ का जो लोकेशन है बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको लगता, हमको भी एक बार कंफ्यूज है, हमको लगा कि हम जिस जगह से चले थे वहीं पहुँच गए हैं, बट ऐसा है नहीं। मैंने मैप में चेक किया तो मैं उसके जस्ट अपोजिट में था, बट लग रहा था बिल्कुल सेम प्लेस।
कौन सी जगह है, शायद बोरिंग है। तो जो पेड़ लगा है वो जड़ यहाँ पे नीचे की साइड है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि ये जो जाल लगा है, जाल के ऊपर ये जड़ यहाँ से फैलती हुई ऊपर जा रही है। ये देखो, ये वहाँ दूर तक फैली हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है धूप नहीं आ पा रही है अच्छे से, और गर्मी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंडी फील हो रही है, क्योंकि ये जो पड़े हुए हैं इसे यहाँ पे पानी ये लोग डालते रहते हैं पाइप के ज़रिए। और काफ़ी बढ़िया लगता है कि बाहर धूप है अंदर गर्मी लगती है, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठंडी लग रही है। फाइनली हमने इको गार्डन का लगभग एक गोल चक्कर, एक ऐसा 360 राउंड जो था कंप्लीट किया है। मतलब बहुत ही बड़ा था यार ये, इसमें हमको कहीं कहीं मैप की हेल्प भी लेनी पड़ गई, और काफ़ी बढ़िया जगह है। अगर आप लोग लखनऊ आ रहे हैं तो इस एक ऐतिहासिक जगह पर जरूर घूमें, एक ब्यूटीफुल प्लेस है ये। तो आ ही गया, लेकिन अब साथ में थोड़ा भूख भी लग गई है यार, और अब मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अब जब तक कुछ खा नहीं लेंगे यार, तब तक अब अगले जगह पे नहीं जाएंगे घूमने। इसके बाद शायद हम लोग रिवर पॉइंट जाएं, तो अभी पहले कुछ खाया जाएगा, उसके बाद में रिवर पॉइंट घूमा जाएगा। यहाँ पे एग्ज़िट गेट है, तो यहाँ से हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। निकलते हैं, ठीक है, लेट्स गो।